अकबरपुर से शाहगंज जौनपुर रूट पर जो डबलिंग का कार्य होना है, यह कार्य अकबरपुर से शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि सामने दीवार खड़ी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे रेल बेड तैयार करना है। अकबरपुर से इस रूट पर भी कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से मिट्टी डाली गई है और यहाँ कार्य चल रहा है। आइए अब हम आपको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कितना कार्य हुआ है। सिंगल लाइन का जो ट्रैक है वो काफ़ी ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी डाली गई है और अभी बहुत सारी डालनी बाकी है, क्योंकि रेल पैड तैयार करना है और ये काफ़ी नीचे है, बहुत ऊपर ट्रैक है। बगल में जो दीवार खड़ी की जा रही है दोहरीकरण के लिए, इसलिए भी बनाई जा रही है क्योंकि रेलवे ट्रैक काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ पर जितनी भी मिट्टी डाली जा रही है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए भी ये दीवार खड़ी होगी, तो उससे बहुत सारी मिट्टी बचेगी और वो मिट्टी आगे कार्य में ली जा सकेगी। आप देख सकते हैं सामने मोरंग और बालू रखा हुआ है, जिसकी सहायता से ये कार्य हो रहा है। और अकबरपुर से गुसाईगंज का जो रूट है, वहाँ पर रेल बेड 70% तैयार कर लिया गया है। अभी बहुत जगह गिट्टी डालना बाकी है। गुसाईगंज से फैज़ाबाद तक तो अभी ज़मीन भी ठीक से साफ़ नहीं की गई है, तो वहाँ JCB की मदद से ज़मीन साफ़ की जा रही है और बहुत जगह रेल बेड तैयार करने का कार्य भी हो रहा है। यहाँ पर रेल ट्रैक तैयार करने के लिए मिट्टी गिराई जा रही है और आप देख सकते हैं कितनी अधिक मात्रा में यहाँ पर मिट्टी गिराई जा चुकी है। रेलवे ट्रैक से यहाँ ज़मीन काफ़ी नीचे है, तो इसलिए यहाँ पर मिट्टी को भारी मात्रा में लाया जा रहा है, क्योंकि यह रेलवे ट्रैक मेन लाइन के बराबर ही बनना है। आप देख सकते हैं कहीं कहीं आधा अधूरा कार्य हुआ है, क्योंकि बीच बीच में बारिश भी हो जा रही है, जिस वजह से यहाँ कार्य में रुकावट आ जा रही है। तो लगातार यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं और रेलवे ट्रैक तैयार करने का कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है।
जेसीबी और ट्रक की सहायता से इस रूट पर मिट्टी लाने का कार्य लगातार चल रहा है। ये रूट गोसाईगंज अयोध्या फैजाबाद को जाता है। दोनों तरफ से इस ट्रैक को बनाने के लिए मिट्टी गिराने का कार्य चल रहा है। अगर कार्य इसी तरह चलता रहा तो मालीपुर, शाहगंज और जौनपुर तक ये कार्य बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा।